आज की हमारी कहानी एक काफी अविश्वसनीय पर असल घटना पर आधारित है। कहानी को पूरा जरूर सुनना। हेडफोन्स हो तो लगा लो फॉर द बेटर साउंड एक्सपीरियंस। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जो जापान में रहा करते थे। जापान खूब तरक्की कर चुका है पर सबसे ज्यादा भूतिया घटना वहीं से है। ये जो कपल जापान में रहते थे इनका एक छोटा 5 साल का बेटा था। यहाँ किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया गया है तो हम अपनी तरफ से इन्हें नाम देंगे। तो आप समझ जाना कि यहाँ बात किसकी हो रही है। हस्बैंड का नाम है किम, वाइफ का नाम है जूली और इनका 5 साल का बेटा जॉर्ज। बस ये तीन ही थे इस परिवार में। जब जॉर्ज पैदा होने वाला था तब से ही दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब होना शुरू हो गए थे और जॉर्ज के जन्म के बाद तो ये नौबत आ गई कि दोनों पति पत्नी में रोज झगड़े होना शुरू हो गए। कैसे तैसे समय बीत रहा था। सुबह की शुरुआत चाय से होती और रात खत्म होती पति पत्नी के झगड़े के साथ। छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़े होने लगते। ये दोनों डिवोर्स लेने वाले थे पर एक रात ऐसी आई जब सारी हदें पार हो गई। वो रात किम और जूली के लिए एक खौफनाक रात साबित हुई। एक रात ऐसे ही रोज की तरह दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये किसी बात को लेकर लड़ रहे थे। शुरुआत में किसी चीज को लेकर बहस चल रही थी पर देखते ही देखते इस बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। पर अब इन दोनों की लड़ाई हद पार कर रही थी। किम काफी ज्यादा गुस्से में था। किम अपने दोनों हाथों से जूली के गले को दबा रहा था और देखते ही देखते जूली का शरीर कब लाश में बदल गया पता भी नहीं चला। किम को जब एहसास हुआ कि उसके हाथों जूली का खून हो गया है वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। जमीन पर पड़ी जूली का बेजान शरीर किम को डरा रहा था। इस सब घटना के दौरान इनका 5 साल का बेटा जॉर्ज अपने कमरे में सो रहा था। किम ने खुद को शांत किया और जूली के शरीर को घसीटता हुआ फटाफट अपनी कार के पास लेकर आया। कार गैराज में खड़ी थी। उसने जूली की लाश को कार में रखा और कार को लेकर फटाफट दूर पहाड़ी की तरफ जाने लगा। वो कार इतनी तेज चला रहा था कि पहाड़ी तक जाने में किम को 20 से 25 मिनट का भी समय नहीं लगा। पहाड़ी पर कार चढ़ाते समय किम को समझ आया कि इस कार को किम पहाड़ी के ऊपर तक लेकर नहीं जा सकता क्योंकि पहाड़ी पर एक घना डरावना जंगल था। किम ने कार को रोका और कार से उतर गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से पैदल ही जाएगा। किम ने जूली के बेजान शरीर को अपने कंधे पर उठाया, ठीक ऐसे ही जैसे आप अभी इस इमेज में देख रहे हो। अब बस किम ऐसे ही पहाड़ी पर दौड़ रहा था। उसके एक हाथ में फावड़ा था और कंधे पर जूली का बेजान शरीर। किम फटाफट पहाड़ के एक छोर से दूसरी छोर पर आया और एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगा। जमीन पर पड़ी जूली का शरीर उसे देख रहा था। किम ने एक बड़ा गड्ढा खोद कर जूली की लाश को दफना दिया। इस समय किम की आंखों में सिर्फ डर दिख रहा था। किम फटाफट भागता हुआ कार के पास आया और कार को स्टार्ट कर घर जाने लगा। किम के दिमाग में अभी सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कल जब मेरा बेटा सुबह उठकर अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं भला उसे क्या जवाब दूंगा। किम जैसे ही अपने घर आया उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। किम पूरी रात बस इसी बारे में सोच रहा था। कैसे तैसे वो भयानक रात बीत जाती है। अगली सुबह जब किम का बेटा जागता है तो रोज की तरह अपनी माँ के रूम में जाता है पर अपने पिता को सोफे पर बैठा देख रुक जाता है और अपने पिता की तरफ अजीब तरह से देखने लगता है। पर सोचने की बात है कि उस 5 साल के छोटे लड़के ने अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और तैयार होकर स्कूल चला गया। किम को ये काफी ज्यादा अजीब लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। जूली एक खास तरीके का परफ्यूम लगाया करती थी जिसकी खुशबू अब किम के शरीर से आती रहती थी। किम कितनी ही बार क्यों ना नहा ले उसका शरीर हमेशा उस खुशबू से महकता रहता। साथ ही अब किम का कंधा भी दर्द करने लगा था। किम को लगा कि शायद जूली की बॉडी को उठाते समय कंधे में मोच आ गई होगी। किम ने डॉक्टर से सलाह लेने का सोचा। जब डॉक्टर ने उसका वजन तोला तो किम का दिमाग हिल गया। किम का वजन पहले से डबल हो गया था पर किम अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। किम का वजन मशीन के अंदर डबल दिख रहा था। किम को लगा कि शायद मशीन ही खराब है। किम अब काफी ज्यादा परेशान रहने लगा। साथ ही उसके बेटे का उसे इस तरीके से देखना अब उसे डरा रहा था। उसका बेटा उसे हमेशा बड़ी अजीब तरह से देखता मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो। किम को अब शक होने लगा कि शायद उसका बेटा सब कुछ जानता है और शायद उसने उस रात को सब कुछ देखा है। किम ने कहा कि अगर ये सच है तो उसे अपने बच्चे को भी ठिकाने लगाना होगा। शाम को किम का बेटा टीवी देख रहा था। किम डरता हुआ अपने बच्चे के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। किम ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। बेटे ने कहा, हाँ पापा। किम ने फिर पूछा कि क्या वो तुम्हारी माँ के बारे में है। बेटे ने फिर कहा, हाँ। किम ने अपने बेटे से कहा कि मुझे ये लगता है कि शायद तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ इतने दिनों से कहाँ है। बेटे ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा।
तो किम ने कहा कि तो तुम्हें पूछना क्या है और तुम मुझे हमेशा ऐसे क्यों देखते रहते हो। अब इसके बेटे ने जो कहा उसे सुनकर किम के पैरों तले जमीन खिसक गई। किम के बेटे ने कहा कि मैं तो ये पूछ रहा हूं कि माँ का चेहरा इतना डरावना क्यों दिख रहा है और माँ हमेशा आपके कंधे पर क्यों बैठी रहती है। बच्चा वो देख पा रहा था जो किम नहीं देख सकता था। बच्चा किम के कंधे पर बैठी अपनी माँ की आत्मा को देख पा रहा था। यही वजह थी कि किम के शरीर से जूली के परफ्यूम की महक आती थी और यही कारण था कि किम के कंधों में दर्द रहता था। कुछ कहानियां काफी ज्यादा अजीब होती हैं, पर जापान के कई बड़े बुजुर्ग इन्हें सच मानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।